वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज माशाल्लाह से सऊदी अरब में दूसरा रोज़ है और पाकिस्तान में पहला रोज़ है। पाकिस्तान वालों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, सऊदीया वालों को भी रमज़ान मुबारक। वैसे सॉरी कि मैं दूसरे रोज़े पे वीडियो बना रही हूँ, पहला रोज़ है, मैं थोड़ी मसरूफ़ थी इस वजह से मैं नहीं बना पाई। और आज रमज़ान करीम की हम ड्राइंग बना रहे हैं। पहले से मैंने थोड़ी सी स्केच कर ली थी, जो इसका लेंथ था वो बहुत मुश्किल था, दैट्स वाई मैंने पहले ही बना ली थी, वरना मैं आपके सामने बहुत दफ़ा वेस्ट करती। चलिए, यहाँ पे आज मैंने बहुत नया सेटअप किया है और हर वीडियो में मेरा अलग सेटअप होता है। इस वीडियो में बहुत ही अलग है, एक इवेंट है रमज़ान मुबारक, उसके हिसाब से मैंने एक सेटअप किया हुआ है। और सेटअप कैसा किया हुआ है, यहाँ पे मैंने खजूरें रखी हुई हैं, थोड़े खजूरें रखी हुई हैं, जाहिर सी अब पर मैं खा तो सकती नहीं, जाहिर सी बात है रोज़ा है मेरा। यहाँ पे मैंने खजूरें रखी हुई हैं और यहाँ पे एक काबा रखा हुआ है, छोटा सा खूबसूरत सा काबा, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा और छोटा सा काबा है। जब मैं मक्का गई थी मैंने वहाँ से ख़रीदा था और मैंने तब ख़रीदा था और छोटा सा काबा। और मुझे 2 महीने हो गए हैं माशाल्लाह वापस आए हुए मक्का से, और जब मैं वहाँ पे गई थी तो मैंने ये ख़रीदा था, मुझे बहुत प्यारा लगा, मैंने ख़रीद लिया। 10 रियाल का है, ये बहुत ईजी है, आप आराम से जा कर ख़रीद सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं 50 वाला भी है, और मैं इस दफ़ा जाऊंगी तो मैं 50 वाला लेके आऊंगी, वो बहुत ही खूबसूरत था। ये देखिए, ये ऊपर से भी खुलता है, जब मैंने इसको पैकेट से बाहर निकाला तो मुझे पता चला कि ऊपर से खुलता है, पहले नहीं मुझे पता। इसमें एक छोटी सी प्यारी सी तस्बीह भी है ब्लैक कलर की, जो मुझे गिफ्ट में मिली इसी के अंदर, और ये इस तरीके से ये बंद भी हो जाता है। और ये आज की सेटअप है। आज की जो ड्राइंग में चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो है मार्कल्स। ये देखिए, जो पतली नोक वाला मार्कल है, इसकी नोक बहुत पतली है, वेरी थिन मार्कल। और कुछ चीज़ें जो ड्राइंग में उसमें ये वाला मार्कल इस्तेमाल होगा, और ये बहुत थिन मार्कल है। और ये देखिए, ये पेंसिल है, इस तरह के ब्रिक लैम्प को ड्रॉ करने के लिए इसलिए मैंने ये पेंसिल इस्तेमाल की है। HB डार्क पेंसिल है, आप देख सकते हैं, मैंने रोको की इस्तेमाल की है, आप किसी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने रोको की इस्तेमाल की है, और ये मेरे पास थिक मार्कल है, जो मोटा मार्कल है जिसकी नोक थोड़ी मोटी है, ये चांद वगैरह बनाने के लिए और रमदान करीम लिखने के लिए। चले हम अपनी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइज, यहाँ पे हम अब बनाने लगे हैं ड्राइंग, जो स्पेशली रमदान के लिए मैं बना रही हूँ। उसके लिए जो रमदान की मेन चीज़ है वो है मून, जो मतलब के वॉल पेपर्स वगैरह जो आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो है सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक, FB पे, इंस्टा पे, या टिकटॉक पर, किसी भी सोशल पे आप किसी को विश करते हैं तो उसके ऊपर मून ज़रूर बना होता है। हम मून बना रहे हैं, और ध्यान से गाइज याद रखिएगा कि आपने मून जो है प्रॉपरली गोल बनाना है, मतलब कि गोल वाला मून नहीं, एक मतलब कि प्रॉपरली सही मून बनाना चाहिए, डिंगा मिंगा नहीं होना चाहिए, मतलब कि जिगजैग ना हो, सही तरीके से आपने राउंड में लेके जानी है लाइन, जैसे मैं लेके जा रही हूँ, ठीक है गाइस। इस तरीके से ये देखिए, राम राम से हम इस तरीके से कर लेंगे, हम स्केच करेंगे और उसके बाद मार्कर इस्तेमाल करेंगे, ओके गाइस। और प्लीज़ गाइस, ये रमज़ान की वीडियो तो आप आगे से अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, क्या पता आपके रिलेटिव में कोई आर्ट लवर हो, उसको आर्ट बहुत पसंद हो और आप उसको शेयर कर दें, उसकी मदद हो जाए। और गाइस, आप भी ये ड्राइंग वैसे बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है, और जो है आपके अगर मैं पेपर पे बना रही हूँ, आप किसी गिफ्ट बॉक्स के ऊपर बना सकते हैं, किसी कार्ड के ऊपर बना सकते हैं। ये मैं अभी लार्ज साइज़ बना रही हूँ, आप स्मॉल बना लें, मीडियम बना लें, किसी कार्ड के ऊपर, उसके कार्ड के ऊपर बनाएं, उसके पीछे आप विशेस लिखें और बॉक्स गिफ्ट बॉक्स के ऊपर जो है उसे चिपका दें, ग्लू या किसी टेप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप उसे दें और किसी को आगे गिफ्ट कर दें, क्योंकि रमज़ान है, जाहिर सी बात है स्वीट्स और गिफ्ट्स वगैरह तो रिलेटिव्स फ्रेंड्स को देते हैं, जैसे हम भी देते हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को गिफ्ट वगैरह। रिलेटिव्स तो नहीं, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स पाकिस्तान में हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें ज़रूर गिफ्ट देती हूँ रमज़ान वगैरह में। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा क्या गिफ्ट होते हैं, तस्बीह, कुरान, डेट्स मतलब तमर, खजूरें या इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये अब मैं जो हूँ ये चांद के अंदर मतलब कि ये मून के अंदर मैं एरो बना रही हूँ, आप कोई भी डिज़ाइन बना लें, मुझे सबसे इजी ये लगा था तो मैंने ये वाला इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैं इस तरीके से ये एरोज बनाऊँगी पूरे मून में।
आप देख सकते हैं मैंने पूरे एरो बना लिए हैं मून के अंदर। अब बारी है इसकी डोरी की, नीचे की जो डोरियाँ चेन या डोरी जो भी होता है वो इस तरह लटकी होती है ना, उस वो वाली बनाएंगे अब नीचे का डिज़ाइन। और इस तरीके से हम ये लाइन नीचे लेते आते जाएंगे राम राम से, और उसके बाद हम यहाँ से राउंड कर लेंगे इस तरीके से। आप देख रहे हैं ये मैं राउंड करने लगी हूँ, इस तरीके से हम राउंड कर लेंगे या इस तरीके से बनानी है। ये देखिए इस तरीके से राउंड करते हुए मैं वहां लेके जाऊंगी आगे। ओके गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने सारी डोरियां बना ली हैं। अब बारी है लैंप की, जो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया है, सॉरी गाइस। अब बारी है लैंप की और हम लैंप बनाएंगे इस तरीके से। हमारा लैंप तैयार हो गया, अब हम बनाएंगे स्टार्स और जो बहुत ही स्वीट्स हैं इस तरह के स्टार्स बनाएंगे। ये देखिए यूं करके हम इसकी जितनी ये बाकी ये दो जो रचियाँ रह गई थी कॉर्नर्स, उनके ऊपर हम स्टार्स बना रहे हैं इस तरीके से। इतनी ये देखिए, अगर आपको ये वाले स्टार्स नहीं बनाने आते तो आप दूसरे स्टार्स भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बना लगी हूँ। आप ये वाले स्टार बना लें अगर आपको ये वाले स्टार्स नहीं आते। पहले मुझे भी ये वाले जो थे, जो पहले मैंने डोरियों पे बनाए वो नहीं ये वाले नहीं आते थे, तो फिर आप मैं ये वाले बना लेती थी। अब मैं ये वाले बना लेती हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप ये वाले स्टार्स बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ये कलर हो जाने मार्कर के साथ कोई फ़ायदा नहीं है आप, इसलिए ये वाले स्टार्स बना लें, इट्स वेरी ईजी। चले हमारे अब स्टार्स भी तैयार हो गए हैं।
हमारे स्टार्स तैयार हो गए, अब बारी है मोतियों की। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह के मोती बनाएंगे, मतलब बीट्स, क्रिस्टल्स, आप जो भी बोलना चाहते हो बोल लें। बीट्स एक लार्ज एक स्मॉल, एक लार्ज एक स्मॉल, मतलब बिग स्मॉल, इस तरह करके एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा हम बनाएंगे इस तरह के, इस तरीके से। ठीक है, हम चले गाइस, हमारा पूरा स्केच तैयार हो गया है। अब बारी है इसको डार्क करने की। हम इस्तेमाल करें थिक मार्कर चांद को ड्रॉ करने के लिए, मतलब मून को डार्क करने के लिए हम थिक मार्कर इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं इस तरीके से मार्कर को मार्कर के साथ थिक कर लूंगी मून को। आप देख सकते हैं ये मैंने इस तरीके से सारे मून जो है ड्रॉ कर लिया है। अब ये इस तरीके से, अगर आपसे गोल नहीं इसी तरीके से बनता तो आप ये देखिए, ये अगर ये सही तरीके से आपसे गोल नहीं बनता तो आप ये किसी भी कवर, किसी भी बर्तन, डिश का कवर, इस तरह को गोल ले सकते हैं। इस तरह आपने रखने और आपने आधे कवर में, आधा जो नीचे से कवर के ऊपर यहाँ से करके आपने इस तरह राउंड लेके जाना है, और थोड़ा यहाँ से थोड़ा आपने ज़्यादा कर लेना है। ठीक है, फिर इस तरीके से आपका मून बन जाएगा। फिर आपने पीछे से बैक चीज़ बना लेनी है, इट्स वेरी ईजी। चले अब बारी है इसकी डोरियों को डार्क करने के लिए। तो उसकी हम लिए, उसके लिए हम लेंगे थिन मार्कर। मार्कर जो हमने पहले आपको दिखाया था वो वाला इस्तेमाल करें, थिन मार्कर। हमारी जो डोरियां वो हो गई हैं, और अब हमारी बारी है कि ये मोतियों को डार्क करने के लिए। ये देखिए, मोतियों को डार्क करने के लिए हमने थिक मार्कर इस्तेमाल किया। ओके गाइस, इस तरीके से जैसे मैंने मोती किए थे, इसी तरीके से मैंने सारे स्टार्स भी कर लिए। ये देखिए, अब बारी है रमदान करीम लिखने की, और चले हम रमदान करीम लिखते हैं आज। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं रमदान करीम लिखूंगी। मैं सारे अल्फाबेट जो है कैपिटल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप स्मॉल कैप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी जो है ये हैंड राइटिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेरी मतलब कि हैंड राइटिंग जो है वो ज्वाइन है। तो यहाँ पे मैंने सब कैपिटल लिखना था और नुमाया नुमाया लिखना था, मतलब वाजिया लिखना था, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं की। अगर आपको नहीं अच्छी राइटिंग्स आती हैं, आपको नहीं मतलब कि रमदान करीम की सही कैलीग्राफी नहीं आती, आपको लिखना नहीं आता, तो आप गूगल में जाएं, वहाँ पे सर्च कीजिए अरेबिक रमदान करीम अरेबिक कैलीग्राफी, वो अरेबिक में आपको लिखा आएगा सब। और अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश रमदान करीम कैलीग्राफी आप सर्च कर लें, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी सी राइटिंग्स मिल जाएंगी। वैसे ये मुझे याद नहीं आया, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मुझे खुद को याद नहीं आया, वरना मैं वहाँ से निकाल लेती, देखिए मेरे काम देखें। चले हम इस तरीके से रमदान करीम लिख लेंगे। हमने रमदान लिख लिया, अब करीम लिख रहे हैं हम, करीम सॉरी गाइस। चले ये हमारा हो गया रमदान करीम, ये हमारा एंड एम हो गया। चले गाइस, हमारी ड्राइंग तैयार है, हमें दुआओं में याद रखना और मेरी वीडियो को शेयर करना, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन, टच बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। एंड बाय गाइस, खुदा हाफिज। गाइस, मेरी ड्राइंग तैयार हो गई, खुदा हाफिज।